जनसंख्या नियंत्रण पर सियासी गहमागहमी के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने नया बयान दिया है। जनसंख्या को लेकर मुसलमानों के मन में डर पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों के जन्म दर में कमी आ रही है, यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, उसके बाद से ओवैसी का बयान आता है। कहते एक वर्ग की आबादी के नाम पर डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, ओवैसी ये कह रहे हैं। इसके पहले जब योगी आदित्यनाथ ने यह बयान किया, उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी घेरने की कोशिश की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी इस बीच कूद पड़े। क्या कुछ कहते हैं आपको हम सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो ये मूल निवासी तो आदिवासी और ड्रेविडियन लोग हैं, ना ओवैसी मूल निवासी है ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वे बात सच नहीं है कि यूपी में टीएफआर रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है? उनको तवज्जो किस पर लेनी चाहिए भाई से? तो मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं एनीमिक हैं, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं सीवियरली वेस्टेड 6% से 7.3% हो चुका है, और उनकी जानकारी के लिए शायद उनको नहीं बता रहा होगा, बगैर कोई कानून बनाए उत्तर प्रदेश में डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 और 30 दरमियान में आ जाएगा। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप से मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रहे हैं, और क्या वो देखते नहीं है कि उन्हीं के भाजपा के केंद्र के मंत्री हेल्थ के राज्यसभा में अप्रैल 2, 2022 को यह कह दिया है? क्या कहा है कि भारत में कोई जबरन कानून की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एफिडेविट दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश और भाजपा के लोगों को नहीं मालूम कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का कितना है बताइए? बड़ा है, 936 to 9, इंप्रूवमेंट है 936 to 951। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान है।